कोई तभी तक संबंध रखता है जब तक उसके स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो जाती। वेश्या का धंधा पर पुरुषों से धन लूटना होता है। धन के समाप्त होने पर वह मुंह मोड़ लेती है। प्रजा प्रतापी राजा को ही सम्मान देती है। जब वह शक्तिहीन हो जाता है तो प्रजा राजा का साथ छोड़ देती है। ब्राह्मण लोग यजमान के किसी कार्य की पूर्ति के बाद दक्षिणा प्राप्त हो जाने पर आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। शिष्य विद्या की प्राप्ति के बाद गुरुकुल हो या स्कूल या कॉलेजों को छोड़कर अपने अपने घर चले जाते हैं। घर में अचानक आने वाले अतिथि का जब भोजन पान से स्वागत सत्कार कर दिया जाता है तो वह भी सामाजिक नियम के अनुसार विदा लेकर अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ते हैं। पक्षी तभी तक किसी वृक्ष पर बसेरा रखते हैं जब तक वहां से उन्हें छाया और फल की प्राप्ति होते रहती है। जब किसी जंगल में आग लग जाती है तो वहां रहने वाले पशु भी उस जंगल को छोड़कर किसी और जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। भाव यही है कि व्यक्ति को अपने सम्मान की रक्षा का स्वयं ध्यान रखना चाहिए। चाणक्य के अनुसार वेश्या निर्धन पुरुष को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फलहीन वृक्षों को और अचानक आया हुआ अतिथि भोजन करने के बाद घर को त्याग कर चले जाते हैं। ब्राह्मण दक्षिणा प्राप्त करने के बाद यजमान का घर छोड़ देते हैं। विद्या प्राप्त करने के बाद शिष्य गुरु के आश्रम से विदा ले लेते हैं। वन में आग लग जाने पर वहां रहने वाले हिरण इत्यादि पशु उस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल की ओर चल देते हैं। किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु से आवश्यकता से अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए।